तो गाइस आज के टाइम में हम 3 घंटे बिना खाने के रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आप एक क्लिक में दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाते हो? कैसे किसी को कम स्पीड मिलती है तो किसी को ज्यादा? क्यों अलग अलग डेटा प्लान्स अलग अलग ऑपरेटर्स देते हैं? ये इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? इंटरनेट हम तक पहुंचता कैसे है? तो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को जानेंगे कि इंटरनेट कैसे चलता है। सो गाइस, आज इंडिया मिलाकर पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है, मगर आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आपको लगता होगा कि सैटेलाइट से चलता होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि 99% इंटरनेट जो है वो चलता है वायर्स और केबल्स से। इन स्पेशल केबल्स को कहा जाता है ऑप्टिक फाइबर केबल्स। आप लोग कहेंगे कि मैं तो भाई मोबाइल से चलाता हूँ, मोबाइल में कहाँ केबल लगी हुई है? तो देखो, आपको जिस टावर से नेटवर्क आता है उस टावर से लेकर आगे केबल बिछी हुई है जहाँ तक आपको जाना है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। तो गाइस पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अमेजोन, ट्विटर या कोई भी, जिनके पास किसी भी तरह की जानकारी या इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस है, उन्होंने अपने डेटाबेस सर्वर्स बना के रखे हैं पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर। अब ये कंपनीज दूसरे देशों से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आपस में पूरा कनेक्शन बना के रखते हैं पूरी दुनिया भर में। पूरी दुनिया में फैले डेटाबेस और सर्वर्स के इसी जाल को इंटरनेट कहा जाता है, जिसमें यूजर्स कोई भी जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो गाइस आप तक इंटरनेट आते आते उसे 3 अलग अलग कंपनीज के थ्रू गुजरना पड़ता है। पहला होता है Tier 1 कंपनी। ये वो कंपनीज होते हैं जिन्होंने पूरे दुनिया भर में सारे समुद्रों के अंदर से अपनी केबल्स बिछा कर रखी है कंट्री टू कंट्री। तो गाइस कैसा लगेगा आपको जान के कि इंटरनेट पूरा फ्री होता है? कैसे? मान लो आप अपने घर में हो, आप अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक एक लाइन बिछा दो और कनेक्ट कर दो दोनों कंप्यूटर्स को, फिर आप एक जगह से सारी फाइल से सारा डेटा एक्सेस कर सकते हो। इसी को कह दो इंटरनेट। इसमें बस आपका वायर का खर्चा लगेगा घर से लेकर ऑफिस तक बिछाने के लिए। तो गाइस यही काम करती है Tier 1 कंपनीज, जो सारे समुद्रों के अंदर से अपनी केबल्स बिछा कर रखते हैं सारी कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए। इंडिया में जैसे है टाटा कम्युनिकेशंस। अब गाइस कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के बाद इनको डिवाइड करना होता है सारे स्टेट्स में, स्टेट्स के बाद सारे डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट से उसे लाना है आपके पास, आपके लोकल एरिया तक। तो गाइस देखिए, इसी तरह की केबल्स बिछाई जाती है, इन्हें कहा जाता है सबमरीन केबल्स या ऑप्टिक फाइबर केबल्स। ये कुछ ऐसी दिखती है। इनके अंदर की हर एक केबल आपके बाल से भी पतली होती है और हर केबल की स्पीड 100 से 1000 Gbps की तक हो सकती है, जिसमें आपका डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ऑप्टिक फाइबर केबल्स ग्लास की बनी होती है। आमतौर पर जो केबल्स और वायर्स हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी होती है, जिसमें आपका डेटा इलेक्ट्रिसिटी करंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। करंट की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफर करने पर इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा टाइम लगता है और डेटा लॉस भी होता है। लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में पृथ्वी के 8 बार चक्कर लगा सकती है। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर सारी चीजें रियल टाइम पर होती है, क्योंकि आपका डेटा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो गाइस एक वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहां कहां किस किस जगह पर सबमरीन केबल्स बिछी हुई है। जैसे इंडिया में इसका लैंडिंग पॉइंट है मुंबई और साउथ के कुछ स्टेट्स पर। अब सारे कंपनीज जैसे जियो, एयरटेल, VI, इन्होंने पूरे देश में सारी जगहों पर टावर्स बना के रखे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट करके रखा है। आपने देखा होगा जब भी कहीं पर नया टावर लगता है तो वहाँ ऐसे खोदकर इस तरह की पाइप्स लगाई जाती हैं, जिनके अंदर यही ऑप्टिक फाइबर केबल्स होती हैं। मोबाइल टावर्स में बड़े बड़े एंटीनास लगे होते हैं जो आपके एरिया में कुछ 2-3 किलोमीटर तक आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। आपका फोन मोबाइल टावर से आने वाली रेडियो सिग्नल से कनेक्ट होते हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट वायरलेसली टावर तक जाती है, फिर उससे इन जमीन के नीचे बिछी हुई ऑप्टिक फाइबर केबल से होते हुए ट्रेवल है जहाँ तक आपको जाना है। अब जैसे आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो अगर उसका सर्वर इंडिया के बाहर है तो आपको सबमरीन केबल से लेकर जाया जाएगा। अगर आप इंडिया के अंदर ही कोई वेबसाइट विजिट करते हो, इंडिया के अंदर ही आपका ट्रैफिक घुमाकर उनके सर्वर्स तक पहुंचा दिया जाएगा, जिस भी लोकेशन पर उनके सर्वर्स हैं। अगर आप VPN या प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हो तो वो पहले लेकर जाएगा आपको USA, USA से फिर आपको इंडिया। इस वजह से VPN में कहा जाता है स्पीड स्लो हो जाता है।
इंडिया में निक्सी बनी हुई है न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज। इसमें क्या है कि अगर आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी है जो इंडिया के अंदर ही है, तो निक्सी का कहना है कि जो भी ISP इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपका ट्रैफिक इंडिया के अंदर ही रखेगा, आपका ट्रैफिक बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और प्राइवेसी भी बढ़ेगी। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्स को बैन किया था क्योंकि वो इंडियंस का ट्रैफिक, उनका डेटा चाइना ले जा रहे थे अपने सर्वर्स पे। गाइस, इन सारी कंपनीज ने मिलकर हर जगह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, सारी केबल्स सारे देशों के बीच समुद्रों के अंदर से बिछा कर रखी है। अब क्या होता है कि ये केबल्स खराब होती जाती है, कोई डैमेज हो जाती है, और इन केबल्स की लाइफ टाइम 25 साल से ज्यादा नहीं होती, जिससे इनको बैकअप्स बिछा कर रखनी पड़ती है ताकि इंटरनेट कभी रुके ना। इन केबल्स को मैनेज करने में इनका बहुत पैसा लगता है, इन केबल्स का मेंटेनेंस करना पड़ता है। हम जो पैसे देते हैं डेटा पैक्स और टैरिफ प्लान्स के लिए, वो हम इनके मेंटेनेंस के लिए पे करते हैं। इंटरनेट तो पूरा फ्री है, पैसे तो हम इस कनेक्शन के लिए देते हैं जो इन कंपनीज ने पहले से बना कर रखे हैं, जो अपने कनेक्शंस के थ्रू हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है और आप जो पैसे पे करते हो वो किस बात के पे करते हो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करो। बाकी आप कौन सी कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल करते हो वो आप कमेंट करो।